अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं इमरान नईम वीलॉग्स। और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया की जो टेस्ट सीरीज रुकी हुई थी, इतना लंबा गैप था इतने ज़्यादा दिनों का, वो अब ख़त्म हो गया है। और आज थर्ड टेस्ट का पहला दिन था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने कंप्लीट डोमिनेशन दिखाई है इंडिया के ऊपर, और इंडिया अपने ही जाल में फंस गया है। 109 पे ऑल आउट हो गया आज इंडिया, और स्पिन ने खूने मारने आउट किए 5, और कमाल के स्पिन का जो जाल बिछाया था ऑस्ट्रेलिया के लिए, उस पर खुद ही अपने गड़े में बल्कि खुद गिर गया वो। तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया की। अब ऑस्ट्रेलिया का 150 रन बना चुका है और 4 विकेट्स उनके डाउन है, और तकरीबन 47 या 48 रन की उनकी लीड हो गई है। तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है ऑस्ट्रेलिया, और ऐसी उम्मीद नहीं थी ऑस्ट्रेलिया से या ऑस्ट्रेलिया के बॉलर से। एक स्टार्क आए हैं, स्टार्क ने पहले स्पेल तो बहुत अच्छा कराया, लेकिन बॉल बहुत रुक भी रहा है, लो भी हो रहा है, और इंडिया के पास अपनी ही कंडीशंस का जवाब नहीं था, और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। अब ऑस्ट्रेलिया पे डिपेंड करता है कि ऑस्ट्रेलिया कितना लीड ले सकता है। अभी इनकी 6 विकेटें बाकी हैं और 47 रन की लीड बाकी है। अगर तो ये किसी तरह भी 150 रन और बना लें और 200 की लीड ले लें, तो ये मैच विनिंग लीड होने वाली है। और अगर 100 रन की और मजीद बनाते हैं तो 150 की लीड भी ज़बरदस्त लीड होगी, और ऑस्ट्रेलिया के पास पूरा चांस होगा इंडिया को आउट करती है मैच जीतने का। तो ज़बरदस्त ऑस्ट्रेलिया हुआ है, और ये बात आपने जहन में रखनी है कि ये सीरीज 2-0 से इंडिया लीड कर रहा है। अगर ये मैच मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया जीतता है तो 2-1 हो जाएगा, और अगर इंडिया को अपना लास्ट मैच जीतना ही होगा डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए, तो इंडिया वालों के लिए भी अब परेशानी है कि ये मैच इनको निकालना है। और उनकी ये बेस्ट कंडीशन है इंडोर में, तो वो बहुत अच्छा खेलते हैं, और रवि अश्विन तेंदुलकर की तो जो उनकी इकनॉमी है वही ज़बरदस्त है। यहाँ पर जडेजा ने विकेट ली हैं, अभी अश्विन रेड टू फायर हैं, तो देखते हैं क्या होता है। बड़ा एक्साइटेड मैच हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया को सारा क्रेडिट जाता है कि इतना एक्साइटेड मैच उन्होंने बनाया है। कमाल की परफॉर्मेंस देते हुए ऑस्ट्रेलिया, और जो अब ख्वाजा ने 50 बनाई, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया भी लड़खड़ाई है, तो इंडिया भी इतना नाखुश नहीं होगा क्योंकि उन्होंने 4 विकेट्स ले लिए हैं। अब अगर जल्दी से जल्दी अगर वो मज़ीद कोलैप्स कर देते हैं ऑस्ट्रेलिया को, और पॉसिबल है, पीछे भी ऑस्ट्रेलिया इसी तरह ही कोलैप्स हुआ है, जब नया दिन होता है तो कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं, और अगर ऑस्ट्रेलिया ने कोलैप्स हो गया ऑस्ट्रेलिया, तो इंडिया के पास ही टेस्ट मैच बचाने का मौका है, बल्कि जीतने का भी मौका है। तो इंडिया अभी पूरा का पूरा इस टेस्ट मैच से बाहर नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया लीड कितने लेती है। कल का दिन इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है, कल ही हो सकता है हमें पता चल जाए कि ये मैच कौन जीतने जा रहा है। जी, रिजल्ट तो कल हो सकता है ना आए, लेकिन क्लैरिटी काफ़ी हद तक आ जाएगी। अगर तो ऑस्ट्रेलिया ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग खेल गया तो इंडिया तो मुझे लगता है इस मैच में बाहर हो जाएगा, और अगर इंडिया अगर अच्छा खेल गया, जल्दी आउट कर गया ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया के लीड इतनी ज़्यादा नहीं है कि इंडिया मैच से बाहर हो जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त और एक्साइटमेंट से भरपूर ये मैच हो रहा है, और बहुत मज़ा आ रहा है देख के। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, क्राउड आपको पता है इंडिया पूरा आता है, और इंडिया की ये सीरीज सबसे बड़ी सीरीज़ होती है, एशेज़ के मुकाबले की सीरीज़ होती है, तो ज़बरदस्त बहुत मज़ेदार की सीरीज़ हो रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ऑस्ट्रेलिया की ये परफॉर्मेंस कैसी लगी, और कैसा शॉकिंग था ये आपके लिए कि ऑस्ट्रेलिया इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है बॉलिंग के साथ। और वीडियो को लाइक करना ज़रूर किया कीजिए, और भूलिएगा मैं इसको लाइक करना वीडियो को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।